और तो उनको तो मंच लगाया कि कोई ब्याह हो रहे थे ये मंच की खातिर कुर्सी का लेना आदमी तो चाहता था मेरे को ऐसा गाड़ा बैठे सकता। इन कामों में सुधार करो, टांग खींचना बंद करो, किसी की कोई आंख से काम के लोग कुर्सी पर आके बैठ सकते रोजाना देखूंगा ना तो जितना जितना का ग्रुप बना रखा है ना बस एक एक बैठे मन बैठे मैंने टीका कटाओ तो मैं देखे जाऊंगी बहुत बुरा लगेगा आपको। अपने में कमी एक ही है कि अब क्या कुर्सा की आंख काटनी है। रड़क छोड़ दो, रड़क काटता काटता बुढ़िया चला गया आपा चला जाओ ना खूब पता है मैंने दूसरे को वो आवे को जरा मैं करी आऊंगा मैं आऊंगा जब तू को नहीं आवेगो इन बातों में कुछ नहीं रखा है। 20,000 से वोट चुनाव जीत रहा था 400 से पैर ऊपर हो गए पर क्यों? क्योंकि वहां चुनाव जो लोग लड़ते हैं या वोट जो लोग डालते हैं ना पहले दिन मर्डर हुआ 300 दो का मुकदमा लगा लेकिन सुबह दोनों परिवारों के वोट भगवान राम सैनी को पड़े। अरे आपको मर्डर हो गया क्या? दामे लड़ाइया हो गई 10 बोहियां कर दियो वो पंच बन गो वो मेंबर बन गो ये काम गांव में संभाल लो वरना जे दूसरे का झुंझुनू में कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं होने वाला है। ये काम खींच पाओ काम बंद करो और कम से कम मोदी जी का नाम पर तो वोट गिरो पटेल के समझदार लोग हो और तो उनको तो मंच लगाया जो कोई ब्याह हो रहे थे ये मंच की खातिर कुर्सी का लेना आदमी तो चाहता था मेरे को ऐसा गाड़ा बैठे सकता बहुत बुरा लगेगा आपको। बड़ी बात है किसान समुदाय जिस दिन टांग खींचना बंद कर देगा जिस दिन आठ कार्ड बंद करो काम बंद कर देगा आप तो एक ही काम में ला गया कहते कहीं से लिया कचरा घर लो कचरो बेची हो जाए सारी जमीन बिक जाए सरपंच ले गो 50 गाड़ी आपने तो 150 होनी चाहिए चाहे क्यों हुआ चाहे घर बिक जाए। इन कामों में सुधार करो टांग खींचना बंद करो किसी की कोई आंख से काम के लोग कुर्सी पर आके बैठ सकते हैं रोजाना देखूंगा ना तो जितना जितना का ग्रुप बना रखा है ना बस एक एक बैठे मन बैठे मैंने टीका कटाओ तो मैं देखे जाऊंगी तो यहाँ क्या फर्क पड़ता है? कोई सुरपुर चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहा कोई विक्रम सिंह जाखल चुनाव नहीं लड़ रहा नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है इस बात के लिए लड़ रहा है कि 10 साल में आपका इतना मान और सम्मान कर दिया जो लोग हमें कभी गुलाम बनाते थे उन लोगों से पैर पुजवाता है उनसे हाथ जुड़वाता है माफी मंगवाता है वो लोग जो 370 की धारा लगाकर हिन्दुस्तान पर कलंक लगा के बैठे थे 3 तलाक के कानून बने बैठे थे वो लोग जिन्होंने कभी इस देश को भीख मंगा बना रखा था उस देश को संपन्न बनाया है दानदाता बनाया है संसार में उसका नाम रोशन किया है G20 जैसे सम्मेलन हिंदुस्तान में होते हैं लोग नंगे पर पैर चलकर मां भारती को पुष्पांजलि करते हैं सोचो हम किसके लिए काम कर रहे हैं। हम मात्र से राष्ट्र निर्माता के लिए वोट मांग रहे हैं इसलिए तय आपको यह करना है प्रत्याशी के चक्कर में पड़ना मत। हम तो मात्र दीवाने लोग हैं उस आदमी के इतने दीवाने हैं कि वो मां भारती का निर्माण कर रहा है और हम उसका सहयोग कर रहे हैं आपसे भी सहयोग मांगने आए हैं ये सहयोग भी होगा ये चुनाव भी जीतेंगे ये किसानों की जो मसाल हमने जलाई ये भी प्रज्वलित होगी बस आप तो ये आपको सोचना है कि इस युद्ध में जे दूसरे की आहुतियां कितनी लगनी है निर्णय कर लेना और उसके बाद आप अपने हिसाब कैसे काम करना आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद राम राम जी। मंच की खातिर कुर्सी का लेना आदमी तो चाहता था मेरे को ऐसा गाड़ा बैठे सकता। इन कामों में सुधार करो टांग खींचना बंद करो किसी की कोई आठ से काम के लोग कुर्सी पर आके बैठ सकते रोजाना देखूंगा ना तो जितना जितना का ग्रुप बना रखा है ना बस एक एक बैठे मन बैठे मैंने टीका कटाओ तो मैं देखे जाऊंगी बहुत बुरा लगेगा आपको। अपने में कमी एक ही है कि अब क्या कुर्सा की आंख काटनी है। रड़क छोड़ दो, रड़क काटता काटता बुढ़िया चला गया आपा चला जाओ ना खूब पता है मैंने दूसरे को वो आवेगो जरा मैं को नहीं आऊंगा मैं आऊंगा जब तू को नहीं आवेगो इन बातों में कुछ नहीं रखा है। 20,000 से वोट चुनाव जीत रहा था 400 से पैर ऊपर हो गए पर क्यों? क्योंकि वहां चुनाव जो लोग लड़ते हैं या वोट जो लोग डालते हैं ना पहले दिन मर्डर हुआ 302 का मुकदमा लगा लेकिन सुबह दोनों परिवारों के वोट भगवान राम सैनी को पड़े। अरे आपका मर्डर हो गया क्या? गांव में लड़ाई हो गई 10 बोहियां कर दियो वो पंच बन गो वो मेंबर बन गो ये काम गांव में संभाल लो वरना जे दूसरे का झुंझुनू में कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं होने वाला है। ये टांग खींच पाओ काम बंद करो और कम से कम मोदी जी का नाम पर तो वोट गिरो पटेल के समझदार लोग हो और तो उनको तो मंच लगाया जो कोई ब्याह हो रहे थे ये मंच की खातिर कुर्सी का लेना आदमी तो चाहता था मेरे को ऐसा गाड़ा बैठे सकता बहुत बुरा लगेगा आपको।
बड़ी बात है किसान समुदाय जिस दिन टांग खींचना बंद कर देगा, जो कहते हैं आठ काट बन कालो काम बंद कर देगो, आप तो एक ही काम में ला गया कह तो कहीं ऐसे आओ कचड़ो मेरलो कचड़ो बेची हो जाए सारी जमीन बिक जाए। सरपंच लेगो 50 गाड़ी, आपने तो 150 होनी चाहिए, चाहे क्यों हुआ चाहे घर बिक जाए। इन कामों में सुधार करो, टांग खींचना बंद करो। किसी की कोई आठ से काम के लोग कुर्सी पे आके बैठ आदमी रोजाना देखो मैंने तो जत्रा जत्रा का ग्रुप बना रखा है ना, बस एक एक बैग मान बैठे मैंने टीका कटाओ थे मैं देखे जाऊंगा। फिर यहाँ क्या फर्क पड़ता है? कोई सुभकर चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहा, कोई विक्रम सिंह जाखड़ चुनाव नहीं लड़ रहा, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है इस बात के लिए लड़ रहा है कि 10 साल में आपका इतना मान और सम्मान कर दिया, जो लोग हमें कभी गुलाम बनाते थे उन लोगों से पैर पुजवाता है, उनसे हाथ जुड़वाता है, माफी मंगवाता है। वो लोग तो 370 की धारा लगाकर हिंदुस्तान पर कलंक लगा के बैठे थे, 3 तलाक के कानून बने बैठे थे, वो लोग जिन्होंने कभी इस देश को भीख मंगा बना रखा था उस देश को संपन्न बनाया है, दानदाता बनाया है, संसार में उसका नाम रोशन किया है। G20 जैसे सम्मेलन हिंदुस्तान में होते हैं, लोग नंगे पैर चलकर मां भारती को पुष्पांजलि करते हैं, सोचो हम किसके लिए काम कर रहे हैं। हम मात्र राष्ट्र निर्माता के लिए वोट मांगने आए, इसलिए तय आपको ये करना है, प्रत्याशी के चक्कर में पड़ना मत। हम तो मात्र दीवाने लोग हैं, उस आदमी के जितने दीवाने हैं कि वो मां भारती का निर्माण कर रहा है और हम उसका सहयोग कर रहे हैं। आपसे भी ये सहयोग मांगने आए हैं, ये सहयोग भी होगा, ये चुनाव भी जीतेंगे, ये किसानों की जो मसाल हमने जलाई ये भी प्रज्वलित होगी। बस आप तो ये आपको सोचना है कि इस यज्ञ में जेजूसर की आहुतियां कितनी लगनी है, निर्णय कर लेना और उसके बाद आप अपने हिसाब कैसे काम करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।